मैं कोठारी आईसर से विनोद और आज हम बात करेंगे आईसर ट्रैक्टर फ्रेड 5 जिसका हमने खोला है क्लच। और क्लच की आप कंडीशन देख सकते हो फ्रेंड, क्या हो चुकी है इसकी, जो प्रेशर प्लेट है पूरी ख़त्म हो चुकी है और क्लच प्लेट भी इसकी ख़त्म हो चुकी, पूरी घिस चुकी है, देख सकते हो आप आसानी से। और इसका जो फ्लाईवेल है वो भी कट चुका है, तो दोनों फ्लाईवेल में होगा फेस और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और इसके फिंगर वगैरह डलेंगे। तो फ्रेंड ये देख लीजिए फ्लाईवेल, तो इसकी कंडीशन भी ख़राब हो चुकी है। अब हम इसका फ्लाईवेल भी खोलेंगे और ये प्रेशर वगैरह खोल के इसकी वॉशिंग धोएंगे, इसकी सफाई करेंगे। सफाई होने के बाद हम इसमें नई प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, फिंगर वगैरह जो डालेंगे, तो इस वीडियो में देख लीजिए आप। तो ये खोल ली हमने फ्लाईवेल। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे फ्रेंड। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और ये फिंगर हमने निकाल चुके, तीनों चीज़ जो बोला था। और अगर रिलीज बेयरिंग ख़राब हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो फ्रेंड, बदल सकते हो ख़राब हो तो। वो आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी। रिलीज बेयरिंग फ्लाईव्हील जाएगा कट लगने के लिए, तब तक हमने इसकी वायसिंग करके तैयार कर ली है बढ़िया तरीके से, फिंगर वगैरह डाल ली है इसमें। ये इसकी पीटीओ क्लच प्लेट, ये कैसे आती है ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है फ्लाईव्हील साइड, तो इसमें लिखा हुआ है। इसके ऊपर ये पीटीओ प्रेशर प्लेट, तो ये ख़राब नहीं होती है फ्रेंड, ये बहुत कम ख़राब होती है, अधिकतर मेन ख़राब होती है क्योंकि ज़्यादा लोड मेन जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर ही आता है। बाकी ये जो प्लेट है खाली पीटीओ यूज़ के लिए होती है, जैसे रोटोवेटर, भूसा मशीन या जो भी आप चलाते हो, इससे पीटीओ के जितने भी इम्प्लीमेंट है उसके लिए ये होती है। और ये है इसका स्प्रिंग, कड़ा बोलते हैं, स्प्रिंग तवा बोल दो, स्प्रिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। और ये है इसकी मेन प्रेशर प्लेट जो ख़राब हो चुकी है, तो हम उसकी जगह इसको डाल रहे हैं नहीं। और इसके बाद हमारी क्लच प्लेट भी नहीं है, आप देख सकते हो साइड में रखी हुई है, आपको हो सकता झलक दिख गई होगी उसकी। ये इसके बाद हम ऐसे ये प्रेशर प्लेट को फिट कर देंगे। प्रेशर प्लेट को फिट करने के लिए ये फिंगर की ढिबरियाँ कसने के लिए आपको क्या करना है, पेंचकस से फिंगर को ऊपर से नीचे की ओर धकेलना है, दबाना है और तीनों ढिबरियों को कस देना है आपको। ढिबरी कसने के बाद हम प्रेशर प्लेट आपको दिखाएंगे, जो क्लच प्लेट का मुंह है जो कैसे आती है, जो उसमें लिखा हुआ भी रहता है क्लच की प्लेट के ऊपर, जो कंपनी की क्लच प्लेट होती है उनके ऊपर लिखा हुआ था फ्लाईव्हील साइड। और लोकल अगर डालोगे हो सकता है उसके ऊपर लिखा ना आए, क्योंकि लोकल का तो मुझे नॉलेज है नहीं अभी, क्योंकि लोकल हम इस्तेमाल भी नहीं करते, तो हमने देखा भी नहीं है अभी लोकल चीज़ पार्ट्स के ऊपर लिखा है या नहीं है। मगर ये ओरिजिनल है तो आप इसके ऊपर देख सकते हो अच्छे से इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको दिखाया था कि फिंगर को पेंचकस के साथ से ऊपर से नीचे की ओर दबाना है, तो ऐसे ये दबाना है पेंचकस से और ये असेंबली हो चुकी है कम्प्लीट। अब हम इसके नट को पाने से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम प्रेशर जो क्लच प्लेट है इसके ऊपर रख के दिखाएंगे कि कैसे रखाती है और कैसे फिट होती है जो ट्रैक्टर के अंदर। ये असेंबली कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और यह है इसकी क्लच प्लेट।
आप इसमें देख सकते हो फ्लाईव्हील साइट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ ही आपको सिर्फ नज़र आ रहा है, मगर फ्लाईव्हील साइट लिखा क्या लिखा हुआ ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वार छोटे छोटे अक्षरों में, मगर लिखा हुआ है ये फ्लाईव्हील साइट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये असेंबली हमने फिट कर चुके हैं फ्रेंड, कंप्लीट हो चुकी है। अब फिंगर की सेटिंग करेंगे, तो आप इस वर्नियर में आप देख लीजिए कितने mm पर हमने सेट करेंगे। तो फ्रेंड सेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये हमारा, हम इस तरीके से सेट करते हैं। और ये सिर्फ फिंगर में फ्री मूवमेंट रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये फिंगर की आप सेटिंग आप देख सकते हो, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि इस फिंगर की सेटिंग हमने कितने mm पर सेट की है। तो हमने जो फिंगर की सेटिंग है फ्रेंड्स, PTU फिंगर की जो सेटिंग हमने की है 25 mm पर, और जो मेन फिंगर है उनकी mm की सेटिंग भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि अभी सेटिंग हमारी चल रही है, क्योंकि हमने दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस रखना है फ्रेंड्स। तो 25 से हम आगे जाएंगे क्योंकि हमको PTO से ऊपर रखना है मेन फिंगर को, तो हमारे आएंगे 33 पे। तो हम मैं दिखाने की कोशिश करूंगा वर्नियर पे कि आपको 33 और 25 mm जो सेटिंग है वो दिख जाए। तो हम सेटिंग कर लेते हैं पहले फिटिंग, और फिर मैं आपको नाप को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी सेटिंग करना है। तो आप ये तरीका देख ले देख देख सकते हो कि हम ऐसे सेटिंग करते फिंगरों की, और बाद में मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगा तीनों फिंगरों की हाइट दिखाऊंगा नाप के, कितना पे सेट किया हूँ मैं। तो ये देख सकते हो कि रोशनी इसमें पड़ रही है वर्नियर के ऊपर, हो सके सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकती हूँ, मगर ऐसे ही होती है सेटिंग। 25 और 33 mm पर मैंने सेट किया हूँ इसको। क्योंकि जो कंपनी की सेटिंग होती है उनके बीच में 6 का गैप होता है फ्रेंड, तो हमने इसमें 9 का गैप रखा है। तो हम अब देखते हैं कि इसमें जो फिट होने के बाद क्लच में अपने को मज़ा आता है या नहीं आता है, वो आप इस वीडियो में देखिए। जो सेटिंग किया हूँ मैं वो देखिए फ्रेंड्स। अब हम सेटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और हम एरोलाइट से फिंगर को करेंगे लॉक, ताकि हमारे फिंगर की सेटिंग है जो गड़बड़ नहीं हो, इसलिए हम एरोलाइट से लॉक करेंगे। इससे ये बहुत जल्दी टाइट होता है, सेट हो जाता है जल्दी 5 मिनट में। कोई मैकेनिक क्या करता है, ऐसे छेनिया तोड़ी से इसको लॉक कर देता है, फिंगर को धोज देता है, चपटा कर देता है। तो उससे क्या होता है, फिंगर फ्रेंड जो फिंगर की आप जो राड होती है वो नब जाती है, और कभी कभी टूट भी जाती है थोड़ा दिन बाद चलने के बाद कभी। तो ऐसा कभी ना करें, एरोलाइट से ट्यूब से जो भी है आपके पास उससे लॉक करें, और फेविक्यू से कभी लॉक ना करें फ्रेंड्स।
और ये हमारा सिस्टम हो चुका है कंप्लीट, फिंगर वगैरह लॉक हो चुके हैं। अब हम इसका करेंगे ज्वाइंट, ट्रैक्टर को फिट करेंगे। तो कैसे फिट करेंगे ये आप देख लीजिए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, और बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक कमेंट सब कुछ कर देना फ्रेंड, जो भी है उसमें पूरा सिस्टम, क्योंकि ये करने में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ हमारा एक हौसला बढ़ता है कि भाई आपने लाइक किया है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ्रेंड। अब ये क्लच फिट हो चुका है हमारा, ये देख लीजिए, क्लच में दबा के दिखा रहा हूँ हाथ से। ये है सिंगल क्लच और ये सेकंड। तो कैसा लगा क्लच की सेटिंग फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोला बोला कट गया प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के लिए।